हेलो, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इजी और प्यारा क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ 2x² माइनस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 आर साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो के इक्वल टू व्हाट, के का वैल्यू निकालना है। प्यारे बच्चों, ये 10th क्लास के भी बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार कुछ सेकंड ध्यान से देखिए और सोल्व करने का प्रयास करें। इतनी गारंटी है कि आप सोल्विंग कर लेंगे। जिन बच्चों से सोल्व नहीं हो पाएगा उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या गिवन है? इसके रूट्स कितने दिए हैं प्यारे बच्चों? साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। क्या क्या प्यारे बच्चों? सम ऑफ रूट्स याद है आप लोगों को, माइनस बी अपॉन ए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ध्यान से देखिए तो ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, सी कितना है प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आपको मालूम है ना क्या होता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को क्या कहते हैं जी? ए। एक्स के कोफिशियंट को बी। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है जी? सी। एनी डाउट? -1। ए कितना है प्यारे बच्चों? 2। तो ये निकल चुका मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट प्यारे बच्चों, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सी कितना है प्यारे बच्चों? के। और ए कितना है? 2 है। ये बेसिक काम हम लोग कर लेंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इक्वेशन 1 और इसको कितना जी? 2। ये दो बातें हम लोग कर लिए। अब आपके पास एक बेसिक तरीका है कि इसको स्क्वायर कर दीजिए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा 1, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो आएगा वहां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, नहीं समझ में आया कि मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, ये तो हो चुका है, क्वेश्चन भी देख चुके हैं। मैंने क्या बोला? इक्वेशन 1 क्या दिया है प्यारे बच्चों? वन अपॉन टू स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों सर स्क्वायर करेंगे? स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि थीटा का टर्म रहेगा ही नहीं, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं हम लोग रख चुके होंगे। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिए,
ये दिया है, अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों कितना, वन। तो ये मेरा कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये मेरा हो गया वन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना प्यारे बच्चों, के अपॉन टू, एनी डाउट, टू से टू प्यारे बच्चों कैंसिल, तो के इक्वल टू कितना, वन अपॉन फोर, और ये वन उस साइड चला गया, माइनस थ्री अपॉन फोर, और माइनस थ्री अपॉन फोर सबको मालूम है कितना प्यारे बच्चों, माइनस जीरो पॉइंट सेवन फाइव, इतना पर भी छोड़ सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। आई होप डेट कि ये बेसिक क्वेश्चन देखते ही आप लोग इस पर टूट पड़े होंगे और इसे बना चुके होंगे। ये बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चंस को भी, क्योंकि जब एग्जाम्स होते हैं तो हर लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस अधिक हार्ड रहते हैं, उससे थोड़ा सा कम रहते हैं, उससे थोड़ा सा कम रहते हैं, तो प्रयास रहे कि हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व करें, जो काफी इजी है, ऐसे तो हम और आप मिलकर डिस्कस किए, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन को बहुत ही स्पीड में सोल्व करने, जब आप स्पीड में सोल्व करते हैं, लिखते हैं, तो आपका माइंड जो है वो सोचने की शक्ति, काम करने की शक्ति और नॉलेज धीरे धीरे ग्रोथ होने लगता है, और वो सब चीजें कैसे होते हैं, प्रैक्टिस से धीरे धीरे होने लगते हैं। तो आई होप डेट ये आप लोग सोल्व कर चुके होंगे, जिन बच्चों से यदि सोल्व नहीं हुआ होगा, लेकिन इतनी गारंटी है कि सब कर ही चुके होंगे, लेकिन यदि कहीं पर भी कुछ माइनर मिस्टेक होगा तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।